दिनों टेलीविजन इंडस्ट्री में नए नए टीवी शोज की बौछार सी लग चुकी है, जहां पर हर एक चैनल अपने नए नए टीवी शोज को लॉन्च कर रहा है और टीआरपी की लिस्ट में छाने के लिए उस नए टीवी शो को लॉन्च करने के साथ साथ कहानी के कॉन्सेप्ट में भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसी फहरिस्त में दंगल टीवी का एक और टीवी शो है जो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। इस नए नवेले टीवी शो का आखिरकार क्या नाम है, तो चलिए आज के इस खास वीडियो में हम आप सभी फैंस को बताते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप सभी फैंस ने हमारे यूट्यूब चैनल टैली टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले टैली टॉक को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट के साथ बने रह सके। दंगल टीवी पर जो टीवी शो लॉन्च होने वाला है उस टीवी शो का नाम है जेन्नी एआई की कहानी। जैसा कि इस टीवी शो के नाम के टाइटल से आप सभी फैंस ने अंदाजा लगा दिया होगा, एक माँ एआई की कहानी पर आधारित अपने बेटी को बनाती है। हालांकि उसकी एक बेटी रहती है और उसकी जुड़वा बहन को एआई का यूज करते हुए इस्तेमाल करती है, जहां विज्ञान को दिखाया गया है इस नए नवेले प्रोमो में। यह टीवी शो सोर्सेस की माने तो दालचीनी को रिप्लेस करने वाला है। दालचीनी, जो दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर टीवी शो था, वो ऑफेयर होने वाला है। 10 अप्रैल के अंदर उस टीवी शो को बंद कर दिया जाएगा और यह टीवी शो 15 से 16 अप्रैल के बीच लॉन्च हो सकता है। मेन लीड एक्ट्रेस की बात की जाए तो नितिन गुलेरिया नजर आने वाले हैं एक्टर के तौर पर। उनकी अपोजिट जो नजर आएगी मेन लीड में, प्राप्ति शुक्ला, जो कि एक माँ की बेटी का रोल का निभाते हुए नजर आएगी। हालांकि अभी इनका क्या रोल होगा कुछ कंफर्म नहीं है। वहीं वरुण जैन इस टीवी शो में विलन के कैरेक्टर में निभाते हुए नजर आएंगे। इनके अलावा बिंदिया कारला, जो इस टीवी शो में जन्नी की भूमिका निभाते हुए, एक माँ की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। काफ़ी यूनिक लग रही है इस टीवी शो की स्टोरी। अब देखना होगा ये टीवी शो जब दंगल टीवी पर लॉन्च होता है तो किस तरह से छाप छोड़ता है फैंस के दिलों में। वेल, आज के खास वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो के नीचे एक लाइक, एक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमारे चैनल में नया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ भी बने रहें।